दोस्तों तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है चार्ज की, और हमने डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, और ये समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, राइट। अब सिर्फ पॉइंट चार्ज और डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करते नहीं है, ऐसे बहुत सारे दूसरे सिनारियो भी हैं जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, या तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब सिनारियो का निकाल सकें। ओके, तो पहला सिनारियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिनारियो नंबर वन इज सर्कुलर चार्ज। कहने का मतलब यह है कि समझ लीजिए आपके पास एक सर्कुलर चार्ज है इस तरह से, जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, राइट। मतलब कि लैम्डा जो है क्यू कूलम्स पर यूनिट मीटर है, मतलब पर यूनिट लेंथ लैम्डा आपका गिवन है। इस लैम्डा को मैं अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास उस लेंथ का चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना है इसमें, लैम्डा इंटू 2πr, ये इसका टोटल चार्ज है। अब मुझे निकालना है कि फील्ड कितनी है सेंटर पे, राइट। फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले इसको दो भागों में ऐसे बांट लीजिए, ओके। आप मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिए, यहां पे इसका लेंथ ds है समझ लीजिए। छोटा सा चार्ज क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला ही पॉइंट चार्ज का है, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सर्कल का, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये फॉर्मूला सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का है, क्यू शुड बी अ पॉइंट चार्ज। तो मुझे ये पूरा सर्कल जो है एक मतलब छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, इस तरह से करना होगा, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी सबका एड करके, ओके। तो ये छोटा सा चार्ज मैंने लिया, इसको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में अवे, राइट। और अगर मैं देखूं इसके यहां पे अगर एक चार्ज, यह एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ds इसकी लेंथ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां पे ये यह दोनों का कंपोनेंट सेम होगा, तो कैंसिल हो गया हॉरिजॉन्टली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से डाउनवर्ड होगा। आ रही है समझ में। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं यहां पर ऐसे दो पॉइंट होंगे इस तरह से, जिनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो नेट नेट जो है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज जीरो। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो लिख लीजिए, सेमी सर्कुलर चार्ज। अब ये रहा आपका सेमी सर्कुलर चार्ज, मुझे सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा है, राइट। अगर मान लेते हैं कि ये ds जो लेंथ है इस तरह से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, इसको मान लीजिए ये थीटा है, ओके। रेडियस जो है r है, ओके। जैसे कि हमने पहले की भी किया था, यहां पर एक और एलिमेंट आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ये एंगल थीटा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसको मान लीजिए DE है, DS की वजह से DE अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी DE 2DE साइन थीटा, फाइन। तो मैंने क्या किया, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों को एड कर दिया, वर्टिकली आ गई 2DE साइन थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, मैं वेक्टर्स को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकता हूं, मुझे जो है इसको स्केलर क्वांटिटी बनाना है, इसीलिए मैंने वेक्टर्स का कंपोनेंट ले लिया। एक बार मैंने कंपोनेंट ले लिया तो वेक्टर बन गया स्केलर, और स्केलर एडिशन इज इंटीग्रेशन, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स आएगी, और वो होगी 2 times ऑफ DE साइन थीटा, ओके। तो ये हो गया के, ये DQ कितना है, ये जो स्मॉल चार्ज DS में है
वो हो गया लेमडा इंटू डीएस. लेमडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है. तो लेमडा को मैं डीएस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा स्मॉल चार्ज डी क्यू आ जाएगा. सो के लेमडा इंटू डीएस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा. ये हो गई मेरी डीई नेट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. आ रही बात समझ में? अब यहां पे क्या है, दो वेरिएबल हैं एस और थीटा. तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं. तो मुझे एस को या तो थीटा के टर्म में लिखना है या थीटा को मुझे एस के टर्म में लिखना है. तभी एक सिंगल वेरिएबल रहेगा और उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं. तो आप देखिएगा कि जो थीटा है ऐसे इंक्रीज करता चला जाता है. तो मैं इसको बोल सकता हूं ये डी थीटा है. और बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल मैं ये बोल सकता हूं कि जो डीएस है वो आर डी थीटा के बराबर है. राइट तो मैं वहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डीई नेट जो है 2k लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया. फाइन. अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसका इंटीग्रेशन होगा. तो जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो k कांस्टेंट है, लैम्डा 2 और आर स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है. एक आर यहां से काट देते हैं तो आ जाएगा मेरा 2k लैम्डा बाई आर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा. राइट. और थीटा की लिमिट्स क्या है? थीटा आपको लगेगा कि 0 टू 180 है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि आप दो पार्टिकल एक साथ ले रहे हैं, तभी तो आपने यहां पे 2 times लिखा है. ओके? अगर आप एक लेते, सिर्फ एक लेते तो आप 0 to π इंटीग्रेट करते, लेकिन आप दोनों साथ में ले रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 to π/2. जब आप 0 to π/2 करेंगे तो इस तरफ वाले ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. ओके? तो यहां पे लिमिट होगी 0 to π/2. तो आप पाइएगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 2k लैम्डा बाई आर ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा 0 to π/2. तो ये आ जाएगा आपका नेट नेट 2k लैम्डा बाई आर. राइट. कॉस पाई बाई टू 0 है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 विच इज 1. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है आपकी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगी. राइट. तो मैंने यहां पर डिराइव कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज डेंसिटी. ओके? चलिए अभी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. लाइन चार्ज का. लाइन चार्ज का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए आपके पास एक फाइनाइट वायर है इस तरह से, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा गिवन है. ओके? और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इस पॉइंट पे, जो कि एट अ डिस्टेंस डी पे है. फाइन. और ये जो पॉइंट पी है, ये दोनों एंड से एंगल थीटा वन और थीटा टू बना रहा है. ये थीटा वन है और ये थीटा टू है. फाइन. आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. ओके? अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? अगेन आप जो है इधर पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इस तरह से. राइट. और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको पता ही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अगर आपको डिस्टेंस वगैरह पता लग जाए तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो इसको मैं डी थीटा बोल देता हूं. फाइन. और ये जो है इसको मैं थीटा बोल देता हूं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से, ये होगी डी ई. फाइन. अब ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो बिना मतलब मैं नीचे एक और पॉइंट लेने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता यहां पे, कहने का मतलब है. ठीक है. तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लूंगा और उसको किसी तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा. राइट. अब यहां पर आप देखेंगे कि लिमिट जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा वन और थीटा टू रखना बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि थीटा वन और थीटा टू डायरेक्टली मुझे गिवन है. ऑलराइट. तो मैं वही ट्राई करूंगा. सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, समझ लीजिए डी वाई है, कितना हो जाएगा? सबसे पहले मैं डी क्यू लिख लेता हूं. डी क्यू इज लेमडा इंटू डी वाई. राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हो जाएगी डी ई
हो जाएगी k d क्यूब बाई आर स्क्वायर, ये हो गई मेरी डी ई, राइट। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है, सारे डी ई का। यहां पर ले लूंगा तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन आएगा, यहां ले लूंगा तो कुछ उस तरह से डायरेक्शन आएगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट करके अभी नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे कंपोनेंट लेना होगा और एक डायरेक्शन में सारे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट लेने के लिए मैं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस ले लेता हूं, एक्स और वाई, ठीक है। तो डी ई का मैं एक्स कंपोनेंट ले लेता हूं, डी ई एक्स, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं के लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से डी ई एक्स हो जाएगा और डी ई वाई कितना हो जाएगा, के लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। आ रही है समझ में? तो अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, कौन कौन से, वाई है, थीटा है और आर है। मुझे जो है इसको रिड्यूस करके सिंगल वेरिएबल करना है, ओके। तो वो करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका वाई है, ठीक है, ये अगर वाई है तो वाई क्या होगा, वाई होगा डी टेन थीटा, है कि नहीं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी वाई बाई डी थीटा तो आएगा मेरे पास डी सेक स्क्वायर थीटा, दिस विल गिव मी डी वाई एज डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो मैंने डी वाई निकाल लिया भाई थीटा के टर्म में, अब मुझे आर निकालना है थीटा के टर्म में, तो आर तो भाई डी इंटू सेक थीटा है ही, ठीक है। तो मैंने एक कांस्टेंट डी और थीटा के टर्म में सब कुछ निकाल लिया है, डी वाई आ गया मेरा और आर आ गया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके डी एक्स में डाल देता हूं और फिर इंटीग्रेट कर देता हूं। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट डी ई एक्स विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी वाई इज डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, राइट। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा मैं कैंसिल कर देता हूं, एक डी यहां से चला गया तो डी ई एक्स हो जाएगा मेरा के लेमडा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये डी ई एक्स है। और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स विल बी के लेमडा बाई डी इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, फाइन। अब यहां पे जो लिमिट है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है, कहने का मतलब ये है कि क्या लिमिट थीटा वन टू थीटा टू होगी। अगर लिमिट थीटा वन टू थीटा टू होगी तो इस सिनेरियो से कैसे अलग है, मान लीजिए ये थीटा वन है और ये थीटा टू है और यही एंगल नीचे बन रहा है थीटा वन, तो कैसे डिफरेंट हुआ सिनेरियो। इसीलिए यहां पर जब आप लिमिट लेंगे तो आप जाएंगे माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, ओके। तो ई एक्स विल बी व्हाट, इंटीग्रल कॉस थीटा इज साइन थीटा, सो के लेमडा बाई डी साइन थीटा लिमिट गोस फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। जो लिमिट डालेंगे इसमें तो आ जाएगा के लेमडा बाई डी साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, ये आ जाएगा आपका ई एक्स। फाइन, अब ये ई एक्स है तो ई वाई कितना होगा, ई वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, के लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा की बजाय साइन थीटा आ जाएगा यहां पे और इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहां तक तो सब कुछ सेम है, मतलब कि अगर मैं कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिख साइन थीटा लिख दूं तो मेरा ई वाई जो है
k lambda by d integral of my integral goes from minus theta 1 to plus theta 2 sin theta d theta. ठीक है, तो ये आ जाएगा k lambda by d integral sin theta is minus cos theta. ठीक है, और minus cos theta में जब आप ये limit put करेंगे तो आपके पास आएगा cos theta 1 minus cos theta 2, ये आपका EY आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने EX निकाल लिया है और value of EY निकाल लिया है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर. फाइन, तो ये हमने डिराइव किया है एक फाइनाइट लेंथ वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके दो एंड थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रहे हैं. ऑलराइट, ये आप बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए क्योंकि इस तरह के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं जेई एडवांस में. ऑलराइट, और एक और चीज, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ है तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इनफाइनाइट लेंथ है मेरे दोस्त तो थीटा 1 शुड बी व्हाट? जैसे जैसे मैं इसको एक्सटेंड करते जाऊंगा थीटा 1 बढ़ता चला जाएगा. अगर इनफाइनाइट है तो थीटा 1 क्या होगा? पाई बाई 2, और थीटा 2 वो भी पाई बाई 2, तो दोनों पाई बाई 2 हो जाएंगे. तो अगर दोनों पाई बाई 2 हो जाएंगे तो EY तो 0 हो गया. ठीक है, और EX जो होगा वो 2k lambda by d हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट वायर आप लिख लीजिए, फॉर इनफाइनाइट वायर EY इज 0 एंड EX इज 2k lambda by d. फाइन, और अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि समझ लीजिए सिनारियो इस तरह से है कि वायर ऐसी है और आपको यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? तो थीटा 1 0 हो गया और थीटा 2 पाई बाई 2 हो गया क्योंकि दिस वायर विल कीप ऑन गोइंग अप. राइट, तो सेमी इनफाइनाइट में थीटा 1 0 थीटा 2 पाई बाई 2, तो यहां पर आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको EX और EY आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज निकाल सकते हैं. ओके?